truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. Hi my lovelies, welcome back to my channel Creative Yamini. Today I'm going to share with you this makeup look जो कि मैंने create किया है upcoming दशहरा या कोई भी festival है आपके घर में, आप पूरे दिन के लिए इस makeup look को carry करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो। एंड अनहेल्दी स्किन भी है आपकी तो कर सकते हो। अगर आप वेस्टर्न आउटफिट के संग चाहते हो, इंडियन के संग आप बिंदी लगा सकते हो, वेस्टर्न के संग चाहते हो तो आप बिंदी को रिमूव करके इयररिंग्स चेंज कर सकते हो। तो देख लेते हैं इस लुक का मैंने कैसे क्रिएट किया है। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड लाइक भी कर दीजिएगा। सो सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आवाज़ समझ ही गए होंगे आप लोग। सो यहाँ पर मैंने मिस्ट अप्लाई कर लिया है, यह गुड वाइब्स का जेसबेरी। एंड यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप फेस सीरम, और ये बहुत ही अच्छा फेस सीरम है। मैं बाहर से आ रही थी, पूरा दिन हो चुका है, मेरे फास्ट भी चल रहे हैं जिसकी वजह से मेरी स्किन का जो ग्लो है, शाइन है, वो उड़ी सी हुई है। बट जैसे ही फास्ट फिनिश होंगे तो मैं वेलकम बैक करूँगी अच्छे से। लिप बाम अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे VLCC का मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है ताकि मेरा अच्छा सा फेस कवर लगे, कवरेज लगे उस पर। NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग करे, स्टे करे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कोई फाउंडेशन एंड कोई कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का CC क्रीम। यस गाइज, ये 01 बेज शेड है जो कि मेरी स्किन से थोड़ा सा ज़्यादा लाइटर है, बट जब मैंने लिया था तब ज़्यादा शेड्स उसमें अवेलेबल ही नहीं थे। अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड इसको ब्लेंड आउट कर रहे हैं। आप देख सकते हो इसका कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है। मतलब आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, एकदम केक ही नहीं होगी कहीं से भी। एंड इसको एज अ कंसीलर भी मैंने अप्लाई कर लिया है, सो ब्लेंड बहुत ईजिली हो जाता है। फॉर्मूला इसका बहुत ज़्यादा लाइट है, तो आप इसको ट्राई देना चाह रहे हो तो लैक्मी की इस CC क्रीम को ट्राई दे सकते हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके। बहुत अच्छी वाली क्रीम है। स्टार्टिंग में मुझे इतनी नहीं पसंद आई थी बट सेकंड थर्ड मैंने इसको यूज़ किया तो आई लव्ड इट। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस LA कलर्स का ये कॉम्पैक्ट एंड अपने पूरे फेस को सेट कर लिया है क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ किए ताकि मेरे फेस पर अच्छा सा ग्लो आए। हमें इस मेकअप को काफ़ी देर तक रखना है तो आपको इस तरीके की चीज़ें करनी होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का रोज़ इन दी आई शैडो पैलेट से, ये ट्रांजिक्शन ऑरेंजी शेड लेकर के एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज को डिफाइन कर लिया है। एंड सेम पैलेट से ये कॉपर शिमरी शेड लेकर के फिंगर की हेल्प से मैंने अप्लाई कर लिया है। फिंगर से थोड़ा सा लाइट होता है, एकदम से हार्श नहीं होता है। आप इसको ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, मैंने ब्लेंड नहीं किया था। सेम पैलेट से, सेम आईशेडो पैलेट से मैंने डार्क ब्राउन शेड लेकर के एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लिया। बिल्कुल नेचुरली करना है आपको, ज़्यादा हैवी नहीं। अगर आप घर में हैं, बाहर है, या बाहर दिन के टाइम कहीं जा रहे हैं या डे पार्टी के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप इस तरीके के मेकअप को बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। वेट एंड वाइट का ये ब्राउन काजल अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर लिया है। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेरा न्यू मालियो का लाइनर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट इस टाइम पे अगेन मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, आप देख सकते हो पानी आ रहा था जिसकी वजह से मेरा लाइनर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बट वो मैंने मैनेज कर लिया है। एंड बोल्ड लाइनर मैंने अप्लाई किया था। मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का हाइपर कर्लिंग मस्कारा। एंड गाइस आप लोगों से बोलना था कि अगर मेरी वीडियोस नहीं आ रही है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न होगा, क्योंकि जो लड़की एक दिन में दो वीडियोस डाल रही थी आज वो एक भी नहीं डाल रही है, तो मतलब कुछ रीज़न होगा। तो सॉरी गाइस नहीं डाल रही हूँ, बट कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर पाऊँ। नेक्स्ट सेम पैलेट से अपने फेस को कंट्रोल कर लिया है वेट एंड वाइट के। एंड लैक्मे का ये ब्रेक इल्यूमिनेटर लिया है मैंने, अपने फेस पे अच्छे से ब्लशिंग कर ली है। एज अ हाईलाइटर भी मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, अलग से कोई हाईलाइटर मैंने यूज़ नहीं किया था। सिस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है मेकअप को सेट करने के लिए। लिपस्टिक के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का क्रेयॉन। आई डोंट नो विच शेड आई एम राइट नाउ वेयरिंग, बट जो भी है वो आपको कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ। सो न्यूड भी लगा सकते हो आप। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक, आप देख सकते हो मैंने इसको बिंदी एंड ईयरिंग्स के संग कम्प्लीट किया है। ये ईयरिंग है योर हैप्पी प्लेस के, सो आप ट्राई कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, लुक आपको पसंद आ रहा है, हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं 2K। एंड 2K के बाद गिव अवे के जो विनर्स हैं वो भी मैं अनाउंस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड, बाय।